हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बस अब और नहीं चल सकते। 12 घंटे हो गए भूखे पेट लगातार चलते हुए। सिर्फ 12 घंटे ही हुए ना, कोई भी आराम नहीं करेगा। सब चुपचाप चलो। नहीं साहब, अब अगर हम चाहें भी तो साहब हमारे पैर साथ नहीं देंगे। भगवान के लिए साहब थोड़ी देर आराम कर लेने दीजिए। जिस मजदूर के पैर उनका साथ नहीं देंगे, उनके पैरों को इस बंदूक की गोलियों से इनाम दूंगा। अब चलो सब। संभाल कर चाची। रिचा खुद का ख्याल रख सकती है, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, समझे? चलो अभी। अब चलो। सबने मेरी बहुत मदद की, अब तैयार हो जाओ अपने इनाम के लिए। रणबीर, क्या किया तुमने? ये इन्हें इनकी वफादारी का इनाम दे दिया मैंने। ये कैसा इनाम है रणबीर? अब तुम दोनों को तुम्हारी बेवफाई की सजा दूंगा। अब मैं अमर हो जाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों आप सबका, जो अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए और दिल खोलकर सामान खरीद कर इस नीलामी को कामयाब बनाए। अब बारी है उस नीलामी के आखिरी पड़ाव की, आखिरी खरीद की, जिसका आप सबको बहुत बेसब्री से इंतजार था। दोस्तों, सैकड़ों साल पहले स्पैनिश और पुर्तगाली लोग भारत आए थे मसालों का व्यापार करने के लिए। ये डायरी उसी वक्त उसी दौर की है, और इस डायरी की खास बात यह है कि इसमें क्या लिखा है मुझे नहीं मालूम, और मुझे तो क्या किसी को भी नहीं मालूम सिवाय इसके मालिक के। ये डायरी स्पैनिश सेलर जॉनसन वेंगलर की थी, जिसे सैकड़ों साल पहले मिस्टर राघव ने नीलामी में खरीदा था, और आज उनके पोते मिस्टर सुनील इसको फिर नीलाम कर रहे हैं। मिस्टर सुनील, क्या आपको पता है इस डायरी में क्या लिखा है? जी नहीं। तो फिर ये ऐतिहासिक डायरी आप नीलाम क्यों करना चाहते हैं? इसे पढ़ क्यों नहीं लेते? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डायरी में क्या लिखा है और क्या नहीं, मुझे बस पैसा चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पैसा। तो नीलामी शुरू की जाए। नीलामी शुरू करते हैं 10 लाख रुपयों से। 20 लाख। और कोई? 30 लाख। 30 लाख, वाह साहब। और आपसे ज्यादा कोई है 30 लाख से ज्यादा? 40 लाख। 40 लाख। 50 लाख। अरे वाह, ये हुई असली कदरदानों वाली बात। कोई और है जो 50 लाख से ज्यादा की बोली लगाएगा? 50 लाख। 1। 50 लाख। 2। 1 करोड़। वाह साहब, इसे कहते हैं असली कदरदान, जो लाखों की चीज करोड़ों तक पहुंचा दे। 1 करोड़। 1। 1 करोड़। 2। अरे 1 करोड़। 3। 1 करोड़ का चेक मैंने पहले ही आपके ऑफिस में जमा कर दिया है। ये डायरी अगले 1 घंटे में मेरे घर पहुंच जानी चाहिए। जानता नहीं तूने डायरी नहीं अपनी मौत खरीदी है। मौत। तो
नो, मेरा पानी खत्म हो गया। गाइस, तुम लोग पास पानी है क्या? अरे यार, मेरा पानी तो शाम को ही खत्म हो गया था। अरे तो बताना था ना, ढाबे पे भर लेते। ऐसे ही सो जाओ ना यार, कल सुबह तक की तो बात है। यार प्यासे रहता मुझे डरावने सपने आते हैं। अनिकेत, ये डरावने सपने और प्यास का क्या कनेक्शन है भाई? दबे पता नहीं, पर मुझे पानी पीना है यार। तू सुधरेगा नहीं, सो जा यार। तुम लोग तीनों के तीनों कुंभकर्ण। इस नक्शे के हिसाब से तालाब करीब आधे किलोमीटर दूर पे है। प्यास बुझानी है तो तालाब तक तो जाना ही पड़ेगा। ये पानी की आवाज आ रही है, लगता है तालाब कहीं आसपास में ही है। और ये नक्शा भी यही बता रहा है कि तालाब पास में है। चीख कैसी है? अरे ये अनिकेत कहाँ चला गया? कहीं है उसी की चीख तो नहीं? अनिकेत, 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 कहीं है? ये मर गया। क्या? कौन है? ये कौन मर रहा है? भागो, 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 भागो। सर तो किसी भाई चीज से वार किया गया है। कैसे हुआ ये सब? सर कल रात अनिकेत बाहर आया पानी पीने, उसी दौरान किसी ने इसकी जान ले ली। और तो और सर, हमारे साथ भी हाथापाई हुई। कितने लोग थे? सर अंधेरा काफी था, अचानक हमला हुआ और ठीक से कुछ मालूम नहीं पड़ा सर। सर हमारा एक साथी पूरब भी अब कल रात से नहीं मिल रहा। कल रात वो हमसे बिछड़ गया और मुझे तो डर है कि कहीं अनिकेत की तरह उन लोगों ने पूरब को भी। घबरा नहीं, हम लोग पूरब को जल्दी ढूंढ लेंगे। चलो ढूंढो, देखो कुछ मिलता है क्या। सर, सर जल्दी आइए। ठीक तो ना तुम? अरे इधर आओ, सुनिए। यस सर। प्लीज इधर आइए। पूरा तू ठीक तो है ना? आप लोग ये बताइए कि किसी पे शक है आप लोगों को? सर शायद ये उस बाइक वाले का काम है। बाइक वाले? कौन कौन बाइक वाला? सर वही बाइक वाला जिसने कल शाम हम सबको धमकी दी थी। कल कल की बात याद है तुम लोगों को? ये सबसे ज्यादा पंगे करता है। ये कौन है? क्या बात है बॉस, कुछ चाहिए क्या? हाँ चाहिए, मुझे चाहिए कि तुम सब लोग सुरक्षित रहो। सुरक्षित? ये इलाका बहुत खतरनाक है, अपने अपने घर लौट जाओ, उसी में तुम सबकी भलाई है। वो हमें धमकी दे रहा है। धमकी समझो, विनती समझो या फिर चेतावनी, जो समझना है समझ लो। मेरा फर्ज था तुम्हें सचेत करना, जो मैंने कर दिया। अब अगर मौत के मुँह में जाने का इतना ही शौक है तो खुशी से जाओ। सर शायद वो 100 किलोमीटर से हमारा पीछा कर रहा था और जिस ढाबे पे हम लोग रुके थे सर, वो भी वही रुका था। और उस आदमी का चेहरा नहीं याद है आप लोगों को? नहीं सर, उसने एक पल के लिए भी हमारे सामने हेलमेट नहीं उतारा। ढाबे में खाना खाते समय तो हेलमेट निकाला होगा ना? ढाबे वाले से पता करो, देखो शायद उसे कुछ याद हो। ठीक है, तो साथ में खून, खून की बूंदे, मतलब कोई जख्मी आदमी भागा यहाँ से। सर लेकिन खून बहुत ज्यादा नहीं है, जो भी है उसे ज्यादा चोट नहीं आई होगी। सर ये देखिए, घसीटने के निशान है। मतलब उन दोस्तों के अलावा कोई और आदमी भी था जिसको उन मुजरिमों ने मारा और फिर उसे घसीटते हुए यहाँ से ले गए। सर ये रास्ता तो सीधा मेन रोड की तरफ जाता है, इसका मतलब जो भी गुनेगार था उसे इस जंगल और रास्ते का पूरा ज्ञान था। हाँ तभी तो रात के अंधेरे में भी यहाँ पहुँचने में कोई गलती नहीं की उन लोगों ने। ये पैर के निशान
ये तो किसी बड़ी गाड़ी के लगते हैं। साढ़े आठ इंच सर, ये तो लेस्कॉर्ट गाड़ी के टायर लगते हैं, क्योंकि इतने चौड़े टायर उसी गाड़ी में होते हैं। मतलब वो मुजरिम कार में बैठ के भागे। फिर वो बाइक वाला, वो तो कार में बैठ के आया नहीं होगा, नहीं तो हेलमेट क्यों लगाता है। एक काम करो, आगे जो टोल नाका है वहाँ जाके पता करो ये लेस्कॉर्ट गाड़ी वहाँ से गुजरी है क्या। जी सर। तब तक मैं यहाँ देखता हूँ कुछ और मिलता है क्या। यही है वो ढाबा जहाँ मैं और मेरे दोस्त खाना खाने के लिए रुके थे। अरे आइए आइए सर जी, बैठिए, गर्मा गर्म दाल मखनी बनाई है, लगा दूं पांच प्लेट है मक्खन मार के। जी हम लोग खाने पीने नहीं आए, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से क्या हुआ साहब? आपको याद है कल मैं और मेरे कुछ दोस्त आपके ढाबे पे खाना खाने के लिए रुके थे? हाँ हाँ, हल्का हल्का याद तो आ रहा है, पर आपको इतनी चोट कैसे लगी? कल रात इनके ऊपर हमला हो गया और उस हमले में इनके दोस्त अनिकेत की मौत हो गई। हे भगवान, ये हो क्या रहा है आजकल? समाज में दिन ब दिन जुर्म बढ़ता ही जा रहा है। हाँ वो तो है, लेकिन हमें शक है कि इस जुर्म में एक बाइक वाला शामिल है जो कल यहाँ पे आया था। बाइक वाला? जी हाँ, उसने एक ब्लैक बाइकर सूट और ब्लैक हेलमेट पहना था, और मुझे अच्छे से याद है उसके पास नलोंजन मॉडल की बाइक भी थी। एक बाइक वाला आया तो था। अच्छा, उस बाइक वाले के बारे में कुछ याद है आपको, कैसा दिखता था वो? साहब इतना तो याद नहीं, लेकिन शायद रामू को पता होगा। रामू जरा इधर आना, जरा बताना साहब लोगों को उस बाइक वाले के बारे में। जब उसने हेलमेट उतारा था तो मैंने एक ही झलक देखा था सेठ जी, बहुत अजीब आदमी था, अजीब तरीके से बर्ताव कर रहा था। देखो तुमने उसकी एक झलक देखी ना, तुम्हें जो कुछ भी याद है हमारे लिए उसका स्केच बनवा। हाँ इशिता, ठीक है, कोशिश जारी रखना। क्या हुआ श्रेया? सर सारांश का अभी तक पता नहीं चल पा रहा। हमें सारांश जरूर मिल जाएगा। अगर वो गाड़ी इस रास्ते से गई है तो इस टोल नाके से जरूर गुजरी होगी। सही कह रहे हैं। अरे भाई साहब, यहाँ कल रात में 3 बजे के आसपास कोई लेस्कॉर्ट गाड़ी निकली है यहाँ से? पता नहीं सर, मेरी तो दिन की शिफ्ट होती है, रात की शिफ्ट वाला शाम को आएगा। भाई साहब ये जो सीसीटीवी कैमरा लगा है ये तो 24 घंटे ऑन रहता है ना? जी हाँ सर। इसकी फुटेज देख सकते हैं? सर आप? हम लोग सीआईडी से। हाँ हाँ देख सकते हैं। ये देखिए, लेस्कॉर्ट गाड़ी रात के 2:55 को यहाँ से गुजरी है। लगती तो वही गाड़ी है, जरा रिवाइंड करिए। एक मिनट पॉज कीजिए। अरे ना तो ड्राइवर दिख रहा है और ना ही गाड़ी की नंबर प्लेट। थोड़ा जूम कीजिए। ये क्या लिखा है? कार ऑन रेंट। कार ऑन रेंट? सर ध्वनि नगर में कार ऑन रेंट नाम की कंपनी है, कहीं ये गाड़ी वहीं से किराए पे तो नहीं ली गई थी? सर ये रहा स्केच। बन गया स्केच, यही वो आदमी? हाँ सर ऐसा ही कुछ दिखता था वो। ठीक है, आसपास की दुकानों से पता करते हैं, किसी ना किसी ने तो जरूर देखा होगा उसे। भाई साहब स्केच को ध्यान से देखो, इस आदमी को पहचानते हो? नहीं देखा इसको इससे पहले। साहब बुरा ना मानो तो ये फोटो मैं देख सकता हूँ? अरे काका इसमें बुरा मानने की क्या बात है, देखिए। ये कैसे हो सकता है? नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, असंभव असंभव। अरे काका क्या नहीं हो सकता, क्या संभव है? ये नहीं हो सकता, रणवीर वापस नहीं आ सकता। काका इस आदमी का नाम रणवीर है? हाँ मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, कभी नहीं भूल सकता उसे। काका इस आदमी के बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं प्लीज हमें बताइए। बहुत पुरानी बात है, तकरीबन 73 साल पहले मैं जब बच्चा था तो एक रात को मैंने उसे अपने पिताजी से बातें करते हुए सुना था। मदन मेरी बात मानो, अगर तुमने मुझे उस तालाब को ढूंढने में मदद की तो तुम्हारी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। मेरी जिंदगी जैसी भी है ठीक है, आप मुझे सबसे दूर ही रखें तो अच्छा होगा। देखो इस इलाके से जितनी अच्छी तरह तुम परिचित हो वैसा इस गांव में कोई नहीं है। इनकार मत करो,
तुम ही मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा सकते हो। ये सिर्फ मेरा सपना ही नहीं, मेरा जुनून भी है। बहुत ही गलत जुनून चुना है आपने रणवीर जी। अगर आप प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाएंगे तो प्रकृति आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। वो जगह शापित है, शापित। ना जाने कितने लोगों की जान ले चुकी है। भूल जाए अपने सपने को। क्या तुम भूल सकते हो अपनी बीवी को, जो इस वक्त अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है? नहीं ना, वैसे ही मैं अपने सपने को नहीं भूल सकता। जरा सोचो, अगर वाकई उस तालाब के पानी में मौत को हराने की ताकत है तो तुम्हारी पत्नी को एक नई जिंदगी मिल सकती है। सोच कह रहे हो मदन, हम एक दूसरे की मदद से अपने आने वाली जिंदगी को सुधार सकते हैं। तो बोलो, मंजूर है? ये कैसे हो सकता है काका? आपके कहने के मुताबिक आज से 73 साल पहले यानी कि 1941 में ये आदमी जैसा दिखता था आज भी वैसा ही दिखता है। तभी तो मैंने कहा था असंभव, ये अजूबा कैसे हो सकता है। इसी की वजह से तो मैंने अपने पिताजी को खोया था। इसकी वजह से आपने अपने पिता को खोया? हाँ, ये मेरे पिताजी को बहलाकर बहकाकर एक तालाब पे लेकर गए थे। बोले उस तालाब का पानी पीने से आदमी हमेशा के लिए अमर हो जाता है और उसकी उम्र आगे बढ़ने से रुक जाती है। ये कैसा तालाब है काका? मेरे पिताजी तो वापस नहीं आए, शायद उसे वो चमत्कारी तालाब मिल गया होगा और उसी की वजह से आज तक 73 साल पहले जैसा अभी तक वैसे का वैसा ही दिखाई दे रहा है। काका ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये सारी बातें किससे कहानियों में होती हैं, असल जिंदगी में इनका कोई लेने देना नहीं, समझे? बिना आग के कभी धुआं नहीं उठता बेटा। तुम भले ही ना मानो लेकिन उस तालाब के पानी में कोई शक्ति है जो मौत को भी पराजित कर सकती है। सर पूरा जंगल छान मारा लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। एक मिनट, वो देखो, ऐसा लगता है यहाँ हाल फिलहाल में ही खुदाई हुई है। तो देखो। यस सर। हाँ, यहाँ पे कुछ है सर। माय गॉड, ये तो सालों पुराना कंकाल लगता है। सर मुजरिम लाशों को जंगल में दफनाते थे ये तो पता था, पर पहली बार मुजरिम इतना सालों पुराना कंकाल जंगल में दफनाने आए? पता नहीं वंश, दफनाने आए थे या फिर निकालने। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। व्हाट इज सो गुड अबाउट दिस मॉर्निंग? ये लो, हेलो आए ना करो तो नाराज और करो तो मुश्किल। अरे इतने उखड़े हुए क्यों हैं सर आप? भाई साहब जब आपको पता लगेगा ना कि अनिकेत की मौत कैसे हुई आप भी इतने ही उखड़ जाएंगे। सर जरूर किसी हथौड़े या डंडे से वार किया होगा। सर इससे पहले भी हम ऐसे केस सुलझा चुके हैं। मगर निखिल पहले के केसेस में और इस केस में फर्क है, और वो ये कि जिस हथियार से अनिकेत के सर पे वार किया गया है वो हथियार 100 साल पुराना है। क्या 100 साल पुराना? उड़ गए होश, उखड़ गए ना? भाई साहब अनिकेत के सर पर से मुझे लोहे और लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े मिले हैं और ये टुकड़े 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। लोहे और लकड़ी के टुकड़े? मतलब हथियार कोई ऐसी चीज है जिसमें लोहा भी है और लकड़ी भी? हाँ, आइए मैं दिखाती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह। मगर सर इतना पुराना हथियार खूनी के हाथ लगा कहाँ से? शायद दादा परदादा के जमाने से घर पे रखा होगा, अब निकाला है काम के लिए। और अगर मैं कहूं कि ये कंकाल जो आप लोग लेके आए हैं ये कंकाल भी 100 साल से ज्यादा पुराना है तो? मतलब कितना पुराना है ये कंकाल? जिस तरह वो हथियार 100 साल पुराना है ठीक उसी तरह ये कंकाल भी 100 साल पुराना है। मतलब ये मरने वाला भी अंग्रेजों के जमाने का है? अंग्रेजों के जमाने का नहीं है, अंग्रेज ही है। जी हाँ, इसकी हड्डियां हमें ये बताती है कि ये शख्स कोई यूरोपियन है, एशियन नहीं है। 100 साल पुराना हथियार और 100 साल पुराना मुर्दा, वो भी विदेशी। आज के जमाने में किसी को इसमें क्या दिलचस्पी हो सकती है? इस फोटो को ध्यान से देखिए, ये सफेद रंग की लेस्कॉट गाड़ी आप ही के यहाँ से किराए पे ली गई थी। माफ कीजिए सर, इस फोटो में कार की नंबर प्लेट नहीं दिख रही है,
इसलिए बता पाना मुश्किल है कि कार किसने किराए पर ली थी। अरे भाई कमाल करते हैं आप, है तो आप ही की कंपनी की गाड़ी ना, नंबर प्लेट ना सही, कुछ और देख के पहचान लीजिए। सर 100 से ज्यादा गाड़ियां हैं हमारी कंपनी में और इसी मॉडल इसी रंग की करीब 20 गाड़ियां हैं। सर इस तरह बता पाना मुमकिन नहीं है। तो आप एक काम कीजिए, आप हमें ये बताइए कि ऐसी सफेद रंग की लेस्कॉर्ट गाड़ी कितने लोगों ने पिछले एक हफ्ते में किराए पे ली है यहाँ से। एक मिनट सर। सर कुल मिलाकर 7 लोग हैं जिन्होंने पिछले हफ्ते सफेद रंग की लेस्कॉर्ट कार किराए पर ली थी। गुड, अब हमें इन 7 की पूरी पूरी जानकारी चाहिए। ठीक है सर, देखते हैं क्या पता चलता है। 5 लोगों से पूछताछ कर चुके, बचे 2, इन्हीं में से कोई एक है जो इस केस की अगली कड़ी साबित होगा। हाँ लेकिन फ्रेडी जी, ये पता करने के लिए भी रिसेप्शन पे कोई होना चाहिए, यहाँ तो कोई है ही नहीं। हाँ यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा है। जी नमस्ते, कहिए। हम लोग CID से। एक्चुअली अमर नाम के एक इंसान की तलाश में है हम। बात यह है कि उसने सफेद रंग की एक लेस्कॉर्ट गाड़ी को हायर किया और अपने एड्रेस की जगह उसने आपके इस होटल का एड्रेस दिया, इसीलिए हम। जस्ट अ मिनट, मिस्टर अमर वो तो कल ही चेकआउट कर गए। अच्छा आपने अपने रिकॉर्ड्स के लिए उसका कोई आईडी प्रूफ तो लिया होगा ना, लाइसेंस पैन कार्ड वगैरह, दिखाइए जरा। मैडम लिया तो था लेकिन आज ही सुबह हमारे कंप्यूटर का हार्ड ड्राइव क्रैश हो गया और उसी के साथ सारा डेटा चला गया, माफ कीजिएगा। अच्छा ये अमर दिखता कैसा था, उसका हुलिया कैसा था? आप कमरा नंबर 701 वाले अमर सर की बात कर रहे हैं ना? हाँ हाँ राजू उसी के बारे में बताइए इन लोगों को। क्या था उसका हुलिया? कद यही कोई 5.5 फुट लंबा और हाँ छोटे छोटे बाल और आंखों का रंग काला था। कद 5.5 फीट छोटे बाल, इसका मतलब CCTV फुटेज में जो हमें इंसान दिखा था वो अमर नहीं हो सकता क्योंकि वो लंबा था और उसके बाल भी छोटे नहीं थे। अच्छा ये अमर से कोई मिलने आया था उसके कमरे में यहाँ पे? हाँ साहब 2 लोग मिलने आए थे, उनमें से एक का नाम संजय था और दूसरे का कुछ और। और कल साहब उन लोगों ने दारू पीकर काफी झगड़ा भी किया था। झगड़ा? तुम्हें पता है किस बारे में ये झगड़ा हुआ था? ये तो मैं नहीं बता सकता साहब, लोग अक्सर दारू पीकर बहक जाते हैं। कोई ऐसी बात जो तुम्हें याद हो जो वो लोग कर रहे थे, कुछ याद है? हाँ साहब कुछ अजीब अजीब चीजों के नाम ले रहे थे, जैसे फावड़ा, कुल्हाड़ी, कुदाल, मतलब ऐसा सामान जो जमीन की खुदाई में काम आता है। चलो इससे ये तो पता चल गया कि जंगल में वो जमीन खोदी किसने थी। जिस तरीके के औजारों की बात वो वेटर कर रहा था उसे तो यही लगता है कि ये संजय एक आर्कियोलॉजिस्ट है। संजय आर्कियोलॉजिस्ट जो अमर के साथ वहां गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने गया था, जरूर कुछ ना कुछ खास बात है उस पुरानी लाश में, वरना कोई इतने सालों बाद सोते हुए मुर्दे को क्यों जगाएगा। और शायद अनिकेत ने उन्हें ये खुदाई करते देख लिया जिसकी कीमत उसे अपनी जान देके चुकानी पड़ी। लेकिन उस बाइक वाले का क्या, जिसे उस बुढ़े आदमी ने पहचान लिया था, उसके मुताबिक तो वो तालाब का पानी पी के हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। फ्रेडी इस दुनिया में कोई आदमी अमर नहीं होता, जरूर उस बुढ़े आदमी का कुछ ना कुछ हाथ है इस अपराध में। सर तो इस बाइक वाले के बारे में बड़ी अजीब बात पता चली है। क्यों, ऐसी क्या अजीब बात है? ये देखिए सर, इस अखबार की तारीख 13 जून 1941, यानी कि आजादी से भी पहले। आश्चर्य सर, ये आदमी उस वक्त से वांटेड है, इसने उस वक्त भी कुछ लोगों के खून किए थे। बहु वही आदमी, ये कैसे हो सकता है? अभिजीत अगर ये मान के चले कि 1941 में इस आदमी की उम्र 20 साल रही होगी तो उस हिसाब से तकरीबन आज जिसकी उम्र 90 साल से ज्यादा हो, 90 साल का कोई आदमी इतना जवान कैसे देख सकता है? हाँ पंकज, ओके ठीक है सर, संजय के घर का पता चल गया, खातीपुरा में रहता है वो। खातीपुरा? लगता है संजय को हमारे यहाँ आने की खबर लग गई होगी, इसीलिए भाग गया होगा। भाग कर जाएगा कहाँ? अच्छी तरह से तलाशी लो इस घर की, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा।
सर। आश्रया। सर ये देखिए, संजय का पासपोर्ट, इस पे काफी सारे देशों के वीजाज लगे हैं। तो लगता है इस भाई साहब को सैर सपाटे का बहुत शौक था। ये देखो श्रेया, इसकी चेकबुक की डिटेल से साफ साफ पता चल रहा है कि इस इंसान ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं म्यूजियम्स और नीलामियों से सामान खरीदने में। देखो, इसका मतलब संजय बहुत अमीर है और आर्ट में काफी दिलचस्पी रखता है। अब इसे ये दिलचस्पी आर्ट में है या किसी खास चीज में, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, ये संजय किसी की तलाश में है, कोई ऐसी चीज जो इसे दुनिया के कोने कोने में ले जा रही है, हर म्यूजियम, हर बड़ी नीलामी तक। सर। हाँ। अलमारी में से ये डायरी मिली है, छुपा के रखी हुई थी। दिखने में तो ये कोई ऐतिहासिक डायरी लगती है। कुछ तो खास बात है इस डायरी में, काफी नायाब और अलग किस्म की डायरी है ये। सर शायद संजय ने इस डायरी को किसी नीलामी में खरीदा होगा। अभी पता चल जाएगा, राहत लगे। ओ, तो ये उसी स्पेनिश शिप के कैप्टन की डायरी है जो अपने हर यात्रा के बारे में अपनी डायरी में लिखा करता था। ये वही डायरी है, इसका मतलब इस डायरी में उस रहस्यमय तालाब के बारे में भी जरूर लिखा होगा। सर इसका मतलब संजय भी उस रहस्यमय तालाब को ढूंढ रहा था, इसलिए उसने ये सारा सामान खरीदा। हो सकता है श्रेया, लेकिन अगर ये वही डायरी है तो उस रहस्यमय तालाब का नक्शा, कोई मैप, कोई जरिया जरूर होना चाहिए इसमें। कमाल है, इस डायरी में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई नक्शा, कोई जरिया, कोई रास्ता, कुछ नहीं। लेकिन इससे एक बात तो तय हो गई कि इस रहस्यमय तालाब को ढूंढने में दोनों अमर और संजय साथ मिलकर काम कर रहे थे। इसका मतलब हमें इस कमरे में कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। छानबीन करो। संजय ने अपने सारे पुराने सामानों की कार्बन डेटिंग करवाई है किसी डॉक्टर वीरेन से। कार्बन डेटिंग, इसका मतलब तो साफ है कि संजय अपने हर सामान के बारे में पता करना चाहता था कि वो असल में कितना पुराना है। ओ, तो ये है डॉक्टर वीरेन, और इस फोटो से तो साफ साफ पता चलता है कि ये कॉलेज में संजय का प्रोफेसर था। ओ, तो फिर इस वीरेन का भी हाथ हो सकता है अमर के साथ साथ संजय की मदद करने में। डॉक्टर वीरेन, इस वक्त कौन आ गया? आप लोग? हम लोग सीआईडी से, डॉक्टर वीरेन से मिलना है। अभी बुलाता हूँ सर। आप लोग बैंक से आए ना? नहीं साहब, इस सीआईडी से आए सर। सीआईडी? इसे पहचानते हैं आप? जी नहीं, किसने मारा इसे? हमें पता होता तो अब तक मुजरिम सलाखों के पीछे होता। देखिए, मैं इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। चलिए इस मामले में ना सही, लेकिन किसी और मामले में हमारी मदद कर दीजिए। मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझा था, आप हमें उस रहस्यमय तालाब के बारे में बताइए जिसका पानी पीकर इंसान कभी मरता नहीं है, जवान रहता है, अमर हो जाता है। ये क्या मजाक कर रहे हैं आप? अगर ऐसा कोई तालाब होता तो दुनिया में मौत नाम की चीज ही नहीं होती। कमाल करते हैं आप भी, हमें तो लगा कि आपके स्टूडेंट संजय ने आपको सब कुछ बताया होगा, लेकिन उसने आपको तालाब के बारे में कुछ नहीं बताया लगता है। संजय, तो आप संजय को जानते हैं? सिर्फ जानते ही नहीं, उसके घर होकर आ रहे हैं, जहां हमें पता चला है कि वो अपनी हर पुरानी चीज की कार्बन डेटिंग डॉक्टर वीरेन से कराता है, यानी कि आप। देखिए, संजय एक आर्कोलॉजिस्ट है और ये तो उसके एक काम का हिस्सा है। हिस्सा? हिस्से से याद आया कि आपके हिस्से की कॉफी ठंडी हो रही है डॉक्टर साहब, पी लीजिए, ठंडी कॉफी पीने में कोई मजा नहीं है। वैसे ये कॉफी का दूसरा कप किसके लिए? इस घर में और भी कोई है क्या? हाँ साहब, अभी भी। ए, तुम जाओ, ये अभी अभी मेरा दोस्त आया था, उसी का है। नहीं, आपके दोस्त का नाम संजय तो नहीं? देखिए वीरेन साहब, आप शक्ल से तो नहायत ही शरीफ इंसान लगते हैं, अब इस संजय की वजह से आपको जेल में जाकर चक्की पीसनी पड़े, हम में से किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं वाकई नहीं जानता कि संजय कुछ गैर कानूनी काम कर रहा है। लेकिन अब तो पता चल गया ना, आपकी भलाई इसी में है कि जो कुछ भी है सच सच बता दो। देखिए, संजय को कुछ
पुर्तगाली एक्सप्लोरर का सामान मिला था, उसमें लैटिन भाषा में कुछ लिखा हुआ था, उसका मतलब जानने के लिए वो मेरे पास आया था। इसका मतलब वो मुर्दा उसी पुर्तगाली एक्सप्लोरर का होगा, और उसी के सामान की तलाश में संजय जंगल में गया था। क्या लिखा था लैटिन भाषा में? उसमें एक गुफा का नाम लिखा था, सिनारी गुफा। सिनारी गुफा? अरे बाप रे, अरे बाप रे बाप, पूरी बॉडी बज रही है। यहाँ पे आके मैंने अपनी बहादुरी तो दिखा दी, अब बता भी देता हूँ, कुछ नहीं है यहाँ पे, चलिए वापस चलते। अरे रुकिए 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 फ्रेडी जी, इतनी बहादुरी दिखाई है तो थोड़ी और दिखा दीजिए। सर, ये देखिए, अजीब निशान बना हुआ है। अरे यहाँ पे भी है, हर दीवार पे। कहीं ये निशान उसी पुर्तगाली एक्सप्लोरर तो नहीं बनाए? ये निशान हमें उस तालाब तक पहुंचने का रास्ता दिखा रहे हैं शायद। अंदर चल के देखते हैं। दो दो लाशें। ये तो संजय। और सर, हो ना हो, ये जरूर अमर की लाश है। ये देखिए, होटल के वेटर ने हमें जो हुलिया दिया था, ये हूबहू वैसा ही है। लगता है ये दोनों यहाँ पे उस तालाब की तलाश में आए थे। आए थे जिंदगी को अमर बनाने, और बदले में मिली मौत। है कौन वो आदमी जो तालाब की खोज करने वाले लोगों का खून कर रहा है? जरूर कोई ऐसा है फ्रेडी जी, जो नहीं चाहता कि उसके अलावा इस तालाब के बारे में किसी और को पता चले। सर हो ना हो, ये काम जरूर रणवीर का ही होगा, क्योंकि जब संजय खुदाई कर रहा था तब रणवीर भी वहां मौजूद था। सर, हाँ, यहाँ पे जूतों के निशान है, ये देखिए, अलग अलग जूतों के निशान दिख रहे हैं, कम से कम 5 लोगों के होंगे। सही कह रहे हैं आप, 2 तो अमर और संजय के होंगे, 1 रणवीर का, बाकी 2 निशान। इसका मतलब साफ है, इस गुनाह में 2 और लोग शामिल हैं, लेकिन कौन? सिंबल्स को देख के लगता है कि ये हमें उस चमत्कारी तालाब का रास्ता बता रहे हैं। जाने कितने साल पहले बनाए गए होंगे ये निशान तालाब की तलाश में, और इन निशानों के अंदर ही वो चाबी छुपी है जिससे हम इस केस का ताला खोल सकते हैं। अरे सर, ये तो एक टापू बन गया, और इसके बीचों बीच में है ये तालाब। मगर सर, ये टापू है कहाँ पे, और हम यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? इसका पता चल जाएगा निखिल, अगर हम इन निशानों की भाषा समझ पाए, उनको अक्षरों में बदलेंगे तो पता चलेगा। सर, इस तरह के निशान मैंने पजल्स की किताबों में देखे। अब पजल के साथ हाइरोग्लाइफिक अल्फाबेट बुक भी आती है ना? हाँ सर। वंश, जल्दी से जाकर किताब लेके आओ। ओके सर। ए, इस किताब में जो अक्षर दिए गए हैं उसके हिसाब से तो ये बन रहा है ANDAVIA, अंदाविया। अंदाविया? शिरा जरा इंटरनेट पे चेक करो, अंदाविया टापू जैसी कोई जगह है क्या? सर ये देखिए, ये अंदाविया नाम का टापू भारत के दक्षिणी दिशा में, यानी कि इंडियन ओशन में। मगर सर, यहाँ लिखा है कि ये टापू बिल्कुल खाली है, यहाँ कोई नहीं रहता, और इस टापू का मौसम और वातावरण रहने के अनुकूल नहीं है। अब समझ में आया कि किसी को ये चमत्कारी तालाब मिला कैसे नहीं। तो इस केस का अंत इस अंदाविया टापू में ही होगा। वहां पे देखो, वहां पे कुछ है। तो लगता है किसी ने आग जला के कैंप फायर किया है। वही लोग होंगे जो तालाब की तलाश में यहाँ पे आए थे। इस मैप के हिसाब से तो उत्तर दिशा में करीब 7 किलोमीटर अंदर है वो तालाब। एक काम करते हैं, यहाँ से सब लोग अलग अलग हो जाते हैं, किसी को कुछ भी मिलता है फौरन एक दूसरे को इन्फॉर्म करेंगे। ओके? यस सर। सचिन,
ये देखिए सर, जगह जगह पेड़ों पे कुल्हाड़ी के निशान। जो लोग तालाब की तलाश में इधर गए होंगे ना, उन लोगों ने लगाया होगा रास्ता पहचानने के लिए। ओह माय गॉड, कंकाल। न जाने कितने साल पुराना मुर्दा है ये। धुआं अभी भी निकल रहा है, आग जले शायद ज्यादा देर नहीं हुई अभी। एक और कंकाल सर। जिंदगी देने वाले तालाब ने न जाने कितने लोगों की जाने ले ली है। जिंदगी तालाब नहीं ले रहा है सचिन, कोई इंसान ले रहा है जिसका कोई ना कोई राज जुड़ा है उस तालाब के साथ। और न जाने कितने कंकाल देखने को मिलेंगे। ये तो ट्रैप है, कोई आ रहा है। ये तो रणवीर है। रणवीर, गोली चलने की आवाज इस तरफ से आई। कहीं उनको कुछ होता नहीं है। चलो मत, मैं आप पे गोली नहीं, मैंने इस पे चलाई थी जो आपको मारना चाहता था। तुम रणवीर हो ना? रणवीर तो मेरे दादाजी का नाम था। मैं आकाश हूँ। आकाश, तुम्हारी शक्ल बिल्कुल तुम्हारे दादाजी से मिलती है। हाँ, ये बात पहले कई लोग बोल चुके हैं मुझे। मगर तुम अपने दादाजी के तरीके से चमत्कारी तालाब के चक्कर में कैसे पड़ गए? 2 महीने पहले मैं ये देश में भी नहीं था, US में लॉ की पढ़ाई कर रहा था कि अचानक मेरी मुलाकात संजय से हुई। वो इस तालाब और मेरे परिवार के संबंधित कुछ जानकारी चाहता था। अच्छा, तो तुमने संजय को अपने दादाजी के बारे में बताया? हाँ, मगर मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि ये तालाब कहाँ है, और संजय से बात करके मेरी उत्सुकता भी बढ़ गई। और इसलिए तुम इंडिया चले आए ताकि संजय पे नजर रख सको और उस तालाब तक पहुँच सको जिसके चक्कर में तुम्हारे दादाजी यहाँ आए थे। हाँ, और इस राज तक भी पहुँच सको कि मेरे दादाजी उस तालाब के तलाश से वापस लौटे क्यों नहीं। अच्छा, क्या संजय को वाकई लगता था कि उस तालाब में कोई चमत्कारी शक्ति? नहीं, वो चमत्कारी शक्ति के पीछे नहीं था सर, वो खजाने के पीछे था जो अंग्रेजों के जमाने से वहाँ पे दबा पड़ा है। किस खजाने की बात कर रहे थे? सालों पहले स्पेन देश से एक ट्रेजर शिप आई थी इस टापू पर तालाब की तलाश में। अच्छा, उस शिप के कप्तान की डायरी संजय के घर से मिली थी ना? हाँ, उसी डायरी से उसे खजाने के बारे में पता चला, और कुछ महीनों बाद वो शिप समुंदर में डूब गई। मगर शिप में जो खजाना था वो गोताखोरों को नीचे नहीं मिला। मतलब उस शिप के किसी आदमी ने शिप डूबने से पहले उस खजाने को यहीं इस टापू में कहीं छुपा दिया है। हाँ, और संजय को उस खजाने की तलाश थी, ना कि किसी चमत्कारी पानी की। सर, आप लोग ठीक तो है ना? हाँ, हम लोग ठीक है। गोली की आवाज सुन के लगा कि कुछ खतरा है यहाँ पे। खतरा अभी टला नहीं है निखिल, कुछ लोग हैं यहाँ जो खजाने की तलाश में मरने मारने पे उतारू हो गए हैं। सर, तालाब तो मिल गया लेकिन ये तो सूखा हुआ है। लोगों को अमर बनाने वाला तालाब आज वही सूख गया है। सर, सोने का सिक्का। सोने का सिक्का, मतलब खजाना था यहाँ पे। सर, इसका मतलब वो आदमी खजाना लेके ये लोग इस तरफ से निकल गए बाहर। सर, ये रास्ता तो टापू के दूसरे हिस्से जाता है, मैं भी वहीं से आया था और उन लोगों की नाव भी वहीं पे थी। टापू की दूसरी तरफ? हाँ, रोकना होगा उन्हें। आ जल्दी आओ तुम लोग, आ जाओ आ जाओ। बस बस बस, खजाना यहीं रख दो, बाकी की जिम्मेदारी CID की है। Yeah!
तुम हो इस खेल के खिलाड़ी। हाँ मैंने ही मारा है अमर को, संजय को और अनी गई तो भी। मगर तुम्हें संजय और अमर के प्लान के बारे में पता कैसे चला? उस दिन जब होटल के बाहर में वो लोग बात कर रहे थे, मैंने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। हम बहुत जल्द खजाने तक पहुंचने वाले हैं, फिर हम बेशुमार दौलत के मालिक हो जाएंगे। ओ, तो उन दोनों का पीछा करते करते तुम वहां जंगल तक पहुंच गए। हाँ, अमर और संजय वहां खुदाई कर रहे थे, मैं अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच गया और अमर की खुद पिटाई की। संजय डर गया और इस बात के लिए राजी हो गया कि खजाने का पता लगाकर वो मुझे उसका 90% दे देगा। और अनिकेत ने तुम्हें ये जुर्म करते हुए देख लिया तो उसका भी खून कर दिया तुमने। हाँ, उसकी तो किस्मत ही खराब थी, बेमौत मारा गया। और जब संजय मुझे उस गुफा तक ले गया, मेरा काम खत्म हो गया। उसे जिंदा रखना मैंने जरूरी नहीं समझा। किस्मत तो तुम्हारी खराब है, जिस खजाने की लालच में तुमने इतना बड़ा गुनाह किया उसका एक रुपया भी खर्च नहीं कर पाओगे तुम, फांसी होगी तुम्हें। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।